टू माई चैनल, माई नेम इज प्रीति तिवारी। मेरे चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं आप लोग को डमी पे हेयर स्टाइल बताने वाली हूँ। ये वाली हेयर स्टाइल की वीडियो मैंने अपलोड कर रखी है, अगर आपने नहीं देखी है तो जाके देख जरूर लीजिएगा। बहुत ही इजी तरीके से आप इस तरीके का हेयर स्टाइल बना सकते हो। और ये बन में किस तरीके से इस तरीके से बना हुआ है, सब कुछ वीडियो में अपलोड हो रखा है, तो आप जाके जरूर चेकअप कीजिएगा। तो चलिए डमी के हेयर पहले ओपन कर लेते हैं और फिर आज देखते हैं आज कौन सा हेयर स्टाइल मैं बनाती हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग बनाएंगे लो बन हेयर स्टाइल। उसके लिए आपको पहले ईयर टू ईयर कटिंग कर लेनी है अपने बालों की। ओके, दोनों साइड से ईयर टू ईयर कटिंग कर लेंगे। कमी के हेयर बहुत ज़्यादा उलझते, ईयर टू ईयर कटिंग कर लेंगे। और फ्रंट के बालों को फ्रंट में सेट कर देंगे। बैक वाले बालों को मैं यहाँ पे लो पोनीटेल बताऊंगी। ये वाला हेयर स्टाइल आपको साड़ी के साथ बहुत अच्छा लगेगा। वेडिंग सीजन चल रही है तो इस टाइप की हेयर स्टाइल आप लोगों के लिए बहुत अच्छा लगेगा। वेडिंग बन हेयर स्टाइल विदाउट क्रिम्पिंग कुछ भी यूज नहीं करना, सिंपल नॉर्मल बालों में आप इस तरीके से हेयर स्टाइल बना सकते हो। तो चलिए लो बन में पहले रबड़ लगा लेते हैं। रबड़ लगा के आपको सिंपली नीचे से एक होल कर देना है हेयर में, और सारे बालों को ऊपर से नीचे की तरफ इस तरीके से खींच लेना है। ओके, खींचने का हल्का सा टाइट कर देना, हल्के हल्के हेयर्स को खींच लेना है ताकि ये थोड़ा सा हैवी लुक दे। ओके, इसके बाद आपको जितने भी हेयर बचे हुए हैं इन सबको एक पार्टिंग हाफ ईयर नीचे के छोड़ देना है। हाफ ईयर लेके इसको ट्विस्ट करना है। आप चाहो तो एक रबर बैंड भी लगा सकते हो। रबर बैंड लगा लोगे तो ईजी होगा, अगर आप बैगिनर हो तो रबर बैंड यूज करिएगा। इस तरीके से रबर बैंड यूज कर देना, हल्का सा बालों को खींच लेना है, फैला लेना है और सारे बालों को इसके अंदर ऐसे फूल करना है। और यहाँ पे आपको इस तरीके से इसको सेट कर देना है। ठीक है, यू पिन की मदद से अच्छे से सेट कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद फिर जो आपके हेयर बचे हुए हैं उनको अच्छे से काउंट कर लीजिए और सारे हेयर्स में चोटियाँ बना दीजिए। सिंपल ब्राइड जैसे आप सिंपल चोटी बनते हो वो वाली चोटी बनानी है आपसे। ओके, ब्राइड्स को हल्का हल्का खींच लीजिए ताकि थोड़ा सा वॉल्यूम आ जाए। इस तरीके से ऊपर की तरफ से ला के यहाँ पर पिनअप कर देना है जो पिन की मदद से, और इधर के भी बालों को जैसे ये साइड के हेयर दिख रहे हैं इसको भी थोड़ा सा ऐसे खींच के और पिन के सेट कर दीजिएगा ताकि गैप ना दिखे उसमें दोनों साइड में। ओके, यहाँ पर पिनअप करते जाइए। ऐसे ही चार ब्राइड्स बना लीजिए फिर। बहुत ही सुंदर लगेगा वेडिंग में आप इस तरीके से साड़ी पहन रहे हो, गाउन ड्रेस पहन रहे हो तो इस टाइप का हेयर स्टाइल जरूर बनाइएगा। अगर आपके पतले हल्के बाल हैं, जैसे लंबे तो हैं लेकिन वॉल्यूम नहीं है, तो भी आप ये वाला हेयर स्टाइल बना सकते हो, बहुत ही प्यारा लगेगा। अच्छे से बनाइएगा ताकि आपका ये जो बन बनाया हुआ है ये अच्छे से कवर हो जाए।
तो दोनों साइड बना लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ। तो इस तरीके से पूरा बना लिया हमने और उसको लिपिन पे कट कर दिया है। ओके अभी आपको ये जो आपके लिए बचे हुए हैं उसको सिंपली ऐसे ट्विस्ट कर दीजिए और यहाँ पे भी इसको लिपिन की मदद से कट कर दीजिए। अभी आती है बारी फ्रंट वाले हेयर से, तो फ्रंट वाले हेयर को ओपन करेंगे। अच्छे से प्रॉपरली बीच की मांग निकाल लीजिए और सिंपली पतला पतला सेक्शन लेके ट्विस्ट कर दीजिए। ट्विस्ट करते टाइम ध्यान दीजिएगा कि ट्विस्टिंग बहुत टाइट ना हो, लूज बनाना है आपको। आप चाहो तो फ्रंट से थोड़ा थोड़ा हेयर भी छोड़ सकते हैं, इसको कर्ल्स कर दोगे तो बहुत प्यारा लगेगा। इस तरीके से करोगे तो आपकी स्कैल्प अगर दिखती भी होगी तो वो नहीं दिखेगी और बहुत ही प्यारा सा लुक आ जाएगा। और इसके बाद ट्विस्ट करना है। इस तरीके से ट्विस्ट करेंगे और बैक में इस तरीके से लेके जाना है और बन के नीचे से इसको यू पिन की मदद से सेट कर देना है। ओके सेम इसी तरीके से आपको दूसरी साइड से भी करना है। दूसरी साइड से भी इसी तरीके से पतला पतला पत्थर लेके और ट्विस्टिंग बना लेंगे। ये ध्यान दीजिएगा कि ज़्यादा टाइट नहीं करना है आपको, लूज रखना है। अगर आपके पतले हेयर के बाल है तो बिल्कुल भी टाइट नहीं करना है, तो आपकी स्कैल्प दिखने लग जाएगी। इसको हेयर को थोड़ा थोड़ा खींच के रखिएगा, इससे अच्छा सा वॉल्यूम का वॉल्यूम आ जाता है बालों में। ये है बन का फाइनल लुक। ये है बन का फाइनल लुक।